हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज मैंने समय से पहले पौधे की गुड़ाई का कार्य शुरू कर दिया है। सर्दियों में मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की थी, क्योंकि इसका जो मेन रीज़न था वो यह था कि जो आगे जेठ के महीने में है, हमारे कई बार धूप ज़्यादा तप जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी हमारी काफ़ी गर्म हो जाती है, और जिस वजह से जो पौधे के मिट्टी के पास जो तने का छिलका होता है वह जल जाता है, जिसको सनवर्न भी हम कह सकते हैं। मिट्टी गर्म होने की वजह से छिलका तने का जल जाता है, जिसकी वजह से मैंने सर्दियों में गुड़ाई नहीं की थी और मैं आगे बरसात के नज़दीक गुड़ाई करने वाला था। लगभग बरसात के 10 दिन पहले गुड़ाई मुझे करनी थी, लेकिन इस बार समय से पहले वान ने बरसात शुरू कर दी है, जिस कारण से मुझे भी समय से पहले पौधे की गुड़ाई करनी पड़ी। तो लगभग बरसात आने के 1.5 महीना पहले मैंने पौधे की गुड़ाई कर दी है और इसके मुझे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जो इसमें घास वगैरह था वो मैंने कटान करके लगभग पौधे की जड़ से थोड़ा सा दूर तने से थोड़ा सा दूर लगा दिया है। आप देखते हैं ये जो मेरे प्लांट है, लगभग ये हुए 4 महीने के प्लांटेशन की हुई है। ऐसी जगह में मैंने ये प्लांटेशन की है, लेआउट से पहले कोई ये नहीं बता सकता था कि यहाँ पर हमारे पौधे भी लग सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से इसके लेआउट तैयार किया। यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से प्लांट हैं, और इस तरीके से मैंने जमीन तैयार किया। वहाँ पर मैंने नीचे पत्थर जैसे लगा दिए, ताकि थोड़ा सा कदम रखने के लिए नज़दीक हो जाए। काफी बहुत लेने वाले हैं, बट मुझे ज़्यादा
मई के महीने में देखने को मिल रही है। और ये सब्सक्राइब।